वल्तीना, कैसा रहा आपका सफर बिग बॉस 16 में? अच्छा था, रोलर कोस्टर राइड था, अप्स एंड डाउन से, गुड डेज, बैड डेज, अगली डेज, सब कुछ देखा है मैंने. सो इट्स लाइक सर्वाइव्ड एन एंटायर 4 months इनसाइड द हाउस. वेल, अभी भी कुछ लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज है, कौन है जो, कुछ बताना चाहोगे आप? ये तो CIT वाला सवाल हो गया. आई थिंक आप लोग पता कीजिए कौन है जुजू, बट आई थिंक सम मिस्ट्री मिस्टीरियस रहे वही बेहतर है. टीना जी, प्रियंका के साथ आपको अचानक से दोस्ती हो गया, उसके बारे में बताओ. अचानक से तो नहीं बोलूँगी, 8-9 हफ्ते से हम लोग साथ में हैं और वो बहुत इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ है एंड बहुत टाइम के बाद हमारी दोस्ती हुई है. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप और आगे भी हम दोस्त रहेंगे और आगे भी हम मिलने वाले. साथ ही तीनों, एक शायरी वाला माहौल अभी चल रहा था आखिरी में, क्या कहना चाहोगे आप? वो तो अलग ही लेवल का टैलेंट है, मतलब उसका अर्चना जो अचानक से उनके अंदर शायरी का बहुत ज़्यादा है. बट यू नो, वो भी टैलेंट होता है. आपको कोई बोले अचानक से शायरिया बना, आप नहीं बना पाएंगे. बट चीज गो, चीज इम्प्रॉम टू, मतलब मस्ती खोर है, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ बना रही थी. प्रियंका और अर्चना को डेफिनेटली उन दोनों को मिस कर रही हूँ. वेल, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद दी फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, क्योंकि बिग बॉस भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंटेस्टेंट के साथ जैसे ही खेल रहे थे. बिग बॉस के घर में क्या मिस कर रही थी, बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद क्या मिस किया है सबसे ज़्यादा और सबसे पहले? आई थिंक मैंने प्रियंका की फ्रेंडशिप मिस कर रही थी. वो घर के अंदर जो हम लोग सब चिल करते थे, मस्ती कर रहे थे, वो घर में मिस करी थी. बिग बॉस की आवाज़ में मिस कर रही थी. इसके अलावा तो कुछ और डेफिनेटली नहीं मिस कर रही थी. सबसे किसी से मिलना हुआ है बिग बॉस के घर के बाद? अभी तक तो नहीं मिलना हुआ है, मैं खुद ही बिजी थी तो डेफिनेटली मैं किसी से नहीं मिल पाई. बट मेरी अंकित से बात हुई है और किसी और से बात नहीं हुई. सारा काम जो आपको बढ़ा.